हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कुछ अमेजिंग एंड्रॉयड टिप्स एंड ट्रिक्स। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एंड्रॉयड के असिस्टेंट्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जो गूगल के द्वारा दिया जाता है एंड्रॉयड मोबाइल्स फोन्स में, ये अलग अलग वर्जन्स में अलग अलग तरह के होते हैं। जैसे कि लॉलीपॉप में अलग होगा, किटकैट में अलग होगा, इस तरीके से अलग अलग होते हैं, लेकिन कुछ अधिकतर मोबाइलों में कुछ हद तक जो है सेम रहते हैं। तो इसके लिए हम चलते हैं सबसे पहले सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद आपके मोबाइल में अलग तरीके से खुल सकता है। मेरे यहाँ पर मोर सेटिंग्स में आने के बाद यहाँ असिस्टेंट्स है। असिस्टेंट में जाने के बाद देखिए, सबसे पहला जो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए एक है कैप्शन का। यहाँ पर ये कैप्शन का ऑप्शन है, इसे अगर आप ऑन कर देते हैं तो यूट्यूब में कोई वीडियो अगर चालू करेंगे तो यहाँ पर टेक्स्ट वगैरह साइज सिलेक्ट कर सकते हैं, तो आपको वहाँ पर उस हिसाब से टेक्स्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पर दूसरा है दोस्तों टॉकबैक। टॉकबैक को अगर आप ऑन कर लेते हैं, अगर आपसे नहीं बनता है तो आप इसे ऑन कभी भी भूल कर भी मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप इसे जब ऑन कर देते हैं तो आपकी स्क्रीन टच जो है नॉर्मली काम करना बंद कर देगी। फिर उसके बाद आपको क्या करना होगा कि जैसे भी आपको ये फेसबुक ओपन करना है तो आपको यहाँ पर ग्रीन स्क्रीन दिख रहा होगा, एक बार टैपिंग में इस तरीके से आएगा, फिर आपको दोबारा टैप करने पर ही ये खुलेगा। अब उसके बाद क्या करना होगा कि आपको एक अगर फिंगर से आप इसे स्क्रॉल करना चाहेंगे तो एक फिंगर से आप स्क्रॉल नहीं कर पाएंगे, आपको दो फिंगर्स का यूज करना होगा इसे स्क्रॉल डाउन करने के लिए। और आपको इसी तरीके से बाकी सारे ऑप्शंस भी खोलने हैं तो उसी तरीके से खोलना होगा। पहले एक बार टैप कीजिए, फिर ग्रीन कर्सर आने के बाद आपको फिर दोबारा टैप करना है, और फिर जैसे कि मुझे बंद करने के लिए जा रहा हूँ तो इस यहाँ पर मुझे फिर से जो है दोबारा यहाँ पर टैप करना है, फिर दोनों उंगलियों से मुझे जो है यहाँ से इस तरीके से स्क्रॉल करना है, तब जाके ये काम करेगा। अगर आपको नहीं आएगा तो आप घबरा जाएंगे कि ये मोबाइल में क्या हो गया। अब देखिए यहाँ पर जो है मैं वापस जा रहा हूँ इसे बंद करने के लिए। ये हमारा जो है टॉकबैक बंद हो चुका है। अब मैं आपको अगला बता देता हूँ, सिलेक्ट टू स्पीक। यहाँ पे हम इसे अगर ऑन कर देंगे तो हमको एक यहाँ पर इस तरीके का आइकन देखने को मिलेगा। अब हम क्या करेंगे कि इस आइकन पर जैसे क्लिक करेंगे और जो भी हमको कहीं पर भी अगर कुछ लिखा हुआ है तो उस पर हम क्लिक करेंगे तो वो हमको बोल कर बता देगा। ये तो जो भी होगा इंग्लिश में राइटिंग, वो उसे जो है बोल कर सुना देगा। अब चलिए मैं अगला दिखा देता हूँ। यहाँ पर हम जाते हैं बैक, और यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ मैग्निफिकेशंस गेस्चर्स। इसे अगर हम ऑन करेंगे तो हमारे मोबाइल के किसी भी स्क्रीन में हम उसे जूम इन जूम आउट कर पाएंगे। चलिए मैं आपको फिलहाल के लिए दिखा देता हूँ। जैसे कि फेसबुक में ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पे तीन बार जो है टैप करना है, तो तीन बार अगर आप टैप करेंगे तो आपको जो है यहाँ पर ये जूम हो जाएगा, देखिए इस तरीके से। और आपको दो फिंगर्स में आप इसे स्क्रॉल डाउन कर सकते हैं इधर उधर, आप एक फिंगर में नहीं कर पाएंगे। इस तरीके से आप ये कर सकते हैं, आप चाहे कहीं पे भी चले जाएं आप इसे जो है पूरा फुल जूम कर पाएंगे, जो कि आप आम टाइप में नहीं कर पाते हैं। इस तरीके से आप किसी भी पेज को जूम नहीं कर पाते हैं, लेकिन इस असिस्टेंट की मदद से आप जो है किसी भी पेज को अपने एंड्रॉयड मोबाइल के उसे जूम इन जूम आउट कर पाएंगे। अब चलिए अगले सेटिंग्स में जाते हैं। हम यहाँ पर मोर सेटिंग्स में जाएंगे और यहाँ पर असिस्टेंस में जाएंगे वापस से, और हम इसको जो है फिलहाल बंद कर देते हैं और हम अगला सेटिंग देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए कलर इन्वर्जन का दिया रहता है, इससे हमको अगर ऑन कर देंगे तो आपकी जो कलर है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगी। आप जहाँ कहीं भी जाएंगे, यहाँ तक कि होम स्क्रीन में भी, तो आपके सारे मेन्यूज़ वगैरह जितने भी डिस्प्लेस हैं हर तरह के पूरे कलर चेंज हो जाएंगे और आपको अपना मोबाइल एक नए लुक में देखने को मिल जाएगा। तो ये है फ्रेंड्स, अब चलिए मैं अगला दिखा देता हूँ। यहाँ पर तो हम इसे फिलहाल बंद कर देते हैं कलर इन्वर्जन को। यहाँ पर करते हैं कलर करेक्शन को। इसे अगर आप ऑन कर देंगे तो होगा क्या कि यहाँ पर भी आपको एक अलग तरह का कलर इन्वर्जन देखने को मिल जाएगा। आप देख सकते हैं मेरे मेन्यू डिस्प्ले की लुक पूरी चेंज हो चुकी है, यहाँ पर अलग अलग तरह के कलर्स दिख रहे हैं आप जहाँ कहीं भी ओपन करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये कुछ ऐसे असिस्टेंट थे जिन्हें हम शायद कभी जो है ट्राई करने की कोशिश नहीं करते हैं, या फिर बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं इनके बारे में। आशा रखता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।